हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का सिर्फ 2 से 3 मिनट का टाइम लूंगा। बिना किसी इरर के आप किसी भी एंड्रॉयड स्टूडियो के पैकेज नेम को चेंज कर सकते हैं। और गाइस, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन में से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें। तो हेलो गाइस, मैं हूं सूर्यकांत कश्यप और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल संग्रह में। तो गाइस, अपने प्रोजेक्ट के पैकेज नेम को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड में अगर कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आपको क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको ध्यान देना है, यहाँ पर से कुछ भी अगर आपके में सेलेक्ट रहता है तो यहाँ पर एक छोटा सा एरो दिखाई देता है, उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसमें से अगर कुछ भी सेलेक्ट रहता है उसमें से सिर्फ आपको यहाँ पर सबसे नीचे में एंड्रॉयड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। एंड्रॉयड सेलेक्ट होने के बाद सबसे फर्स्ट में ऐप के पास एक एरो बना हुआ है, उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। इस फोल्डर को ऐप का ड्रॉप डाउन ओपन करने के बाद उसी फोल्डर में एक जावा का दिखाई दे रहा है, इसमें भी एक छोटा सा एरो बना दिखाई देगा आपको, उसको आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट में हम लोग का पैकेज नेम दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इसको भी यहाँ से ओपन कर लीजिए एरो को क्लिक करके। उसके बाद आपको ये जो फर्स्ट वाला ही जो हम लोग का पैकेज नेम है उसको आपको सेलेक्ट करना है। फिर ऊपर में यहाँ पर देख लीजिए एक सेटिंग का आइकॉन दिखाई दे रहा है, उसमें आपको क्लिक कर लेना है। सेटिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट मिडिल पैकेज करके एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिसमें एक राइट का आइकॉन अभी बना हुआ है, तो इसी ऑप्शन को आपको एक बार क्लिक करना है। उसमें क्लिक करते ही आप देख पा रहे होंगे आपका पैकेज नेम पूरा 3 नाम में बढ़ चुका है। तो आपको इसमें से जिस भी नाम को चेंज करना है, आप कॉम को तो चेंज नहीं कर सकते और बाकी दोनों नाम को आप चेंज कर सकते हैं। तो मेरे केस में मान के चलिए मैं एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है इसी को चेंज करने वाला हूँ। और एग्जाम्पल में अपना माउस को लेकर के आइए, उसके बाद फिर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करेंगे तो यहीं पर एक रिफेक्टर करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें अपने माउस को लेकर के आना है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर एक नया विंडो खुला है, इसमें से आपको रीनेम को क्लिक करना है सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन को। उसके बाद यहाँ पर एक विंडो खुला है जिसमें एक वार्निंग शो हो रहा है, अगर हम अपने पैकेज नेम को चेंज करेंगे पूरे प्रोजेक्ट पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो फिर भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका कोई भी एरर नहीं आएगा, उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पर रीनेम पैकेज के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फिर जिस नाम को हम चेंज करना चाहते थे वो यहाँ पर शो हो रहा है, तो इसको काट के हम जो नया नाम डालना चाहते हैं उसको डाल लेते हैं। यहाँ पर नाम डालने के बाद और कुछ भी नहीं करना है, सीधा रिफेक्टर का जो ऑप्शन दिखाई देता है उसमें आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए नीचे में कुछ दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा डू रिफेक्टर करके, मेरे में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे होंगे नीचे में, तो इसको आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम लोग का पैकेज नेम चेंज हो चुका है, जो एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ था उसके जगह पे एप लिखा हुआ आ गया है। ऐसे ही अगर आप थर्ड नेम को भी चेंज करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है, इसमें क्लिक कीजिए और रीनेम कर लीजिए रिफेक्टर पे जा करके, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो डू रिफेक्टर का ऑप्शन आएगा उसको आपको क्लिक कर लेना है। फिर हमारा फाइनल पैकेज नेम यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन हम अभी भी इसको रन करके नहीं देख सकते, इसमें एरर आ जाएगा क्योंकि हम लोग पैकेज नेम को ऊपर से तो चेंज कर चुके हैं लेकिन यहाँ पर ग्रेडल स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसमें से भी हम लोग को पैकेज नेम को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है, उसको आपको ओपन करना है। उसके बाद मेरे में सेकंड नंबर पे build.gradle_module_app दिखाई दे रहा है, उसमें आपको डबल क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका build.gradle यहाँ पर शो हो रहा है और यहीं पर नीचे में आप देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन ID लिखा हुआ है और यहीं पर हम लोग का जो पुराना वाला पैकेज नेम है वो शो हो रहा है। तो अपने पैकेज नेम में जैसा हम लोग वहाँ पर चेंजेस किए हैं सेम टू सेम नाम बिना स्पेलिंग मिस्टेक किए यहाँ पर उसको चेंजेस करना है। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल बस को ऐप में कन्वर्ट किया हुआ था तो एग्जांपल की जगह पर यहाँ भी सेम टू सेम ऐप लिख लेता हूँ। यहाँ पर पैकेज नेम में चेंजेस करने के बाद ऊपर में राइट हैंड साइड में सिंक नाउ का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आपको क्लिक करना है। फिर थोड़े समय का कुछ प्रोसेसिंग होगा यहाँ पर, उसको पूरा कम्प्लीट होने देना है। प्रोसेस पूरा कम्प्लीट हो जाने के बाद आप चाहें तो इसको यहाँ से काट सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर से फिर से सेटिंग के ऑप्शन में जाना है और फिर से हम लोग को यहाँ पर कॉम्पैक्ट मिडिल नेम को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसा राइट लगा था वो राइट लगा हुआ आना चाहिए। अब देख लीजिए हम लोग का पैकेज नेम चेंज भी हो चुका है और जैसा पहले एक ही फोल्डर में पैकेज नेम लिखा हुआ आता था वैसे ही ये एक ही फोल्डर में हो चुका है। तो गाइस फाइनली अब हमारा पैकेज नेम पूरा चेंज हो चुका है, अब आप अपने ऐप को रन करके देख सकते हैं, बिना किसी एरर के रन हो जाएगा। तो गाइस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।